नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का पाल वर्ल्ड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड गाइस, आज के एपिसोड में भी अपन डंगन बॉस पाल्स की धुनाई करने वाले हैं। एंड आज के भी जो शिकार पाल्स हैं हमारे, वो यार एकदम कतई जहर पाल्स हैं। एंड उनका शिकार करने से पहले मेरे को फ्लफी पाल बेड बनाने का मिशन मिला था। सो मैं सोच रहा था किधर बनाओ, इधर बनाऊंगा तो कोई मोटा भाई घुस ही नहीं पाएगा। सो इधर कहीं पे बनाते हैं। क्या क्या करना पड़ता है यार इन पाल्स के लिए? भाई इनको फ्लफी बेड चाहिए और मैं अभी तक से खुद का बेड नहीं बनाया हूँ यार, तुम विश्वास करोगे? ऐसा ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इससे इनकी सैनिटी ठीक होता है, बोले तो स्ट्रेस। ओके सो दो दो पाल बेड बनाना था ना हमें, फ्लफी पाल बेड। सो दो बना देते हैं। एंड अभी तुम्हें कुछ नए पाल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये पिंक वाली पाल। ये पाल भी चोरी करने आई थी मेरे बेस में, बेचारी को पकड़ लिया और काम करवा रहा हूँ। चलो पाल बेड्स बन गए, अब ठीक है। एंड पिछले एपिसोड में हमने बूशी और ये रिलैक्सोरस लक्स को पकड़ा था। दोनों ही यार एकदम खतरनाक टाइप के पाल्स थे जिनका आज मैं यूज़ करूँगा, और देखेंगे भाई कितने स्ट्रांग है वो। देखने में तो बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। ओके, और अरे लेवल 13 अपग्रेड कर देता हूँ, और अगर 14 लेवल बेस अपग्रेड कर लूँगा तो 3 बेस बना पाऊँगा। नाइस यार, लेकिन इसके लिए हमें कोई वेपन असेंबली ये सब बनाना होगा, अभी नहीं देखेंगे, पहले बॉस बैटल। एंड मैप में इतने मस्त मस्त पाल्स दिख रहे थे ना कि मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था किस वाले बॉस पाल की धुनाई पहले करें। ये तो फेनगेलोप है, इसका लेवल 29 का है, यहाँ जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं जाएंगे इस पर। 30 लेवल का कोई खोज रहा हूँ मैं। जॉर्मनटाइड, अरे नहीं नहीं भाई 45 पीट देगा। क्वाइबन, अरे ड्रैगन है क्या भाई? 23 लेवल का ही है, यहाँ जा सकते हैं भाई। ऐसे ही मैं ड्रैगन टाइप पास का दीवाना हूँ। सो चलते हैं यार, देखते हैं इस क्वाइबन को। ओके, बैम्बू ग्रुप्स में आ गए जहाँ पे बैम्बूज की भरमार है। ओ भाई, ये किसका स्टैचू है यार? डैम यार, कोई डेंजर लोकेशन में नहीं ना आ गया हूँ भाई? इतना लेजेंडरी स्टैचू भाई, और यहाँ पे एक ड्रैगन बॉस पाल भी है भाई, ये किसका स्टैचू है यार? ए रुको रुको, ये तो देखा देखा लग रहा है भाई, ये तो जेट ड्रैगन है। जेट ड्रैगन बोल रहा हूँ, जेट ड्रैगन, स्पेलिंग शायद JETRAGON। क्या बोले, इस गेम का सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन टाइप पाल, और वो पाल एकदम एंड गेम टाइप का पाल है, लेकिन उसकी स्टैचू यहाँ क्यों बनी है? एंड गाइस देख रहे हो मैं बहुत ही कॉमेडी वाली चीज़ कर रहा हूँ। मैं स्टैचू पे चढ़ के अपना मन शांत करूंगा क्योंकि अभी तो जेट ड्रैगन पकड़ने से रहा, और वो शायद से वॉलकैनो वाले एरिया में रहता है, और उस एरिया में जाने का अभी औकात नहीं है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल के पाल्स मिलते हैं। और कौन मार रहा है भाई? साले कुत्ते लोग यहाँ तक बालू फेंक रहे हैं। रुको इनको बताता हूँ, नीचे आ लेते हैं या इधर ही घुसते हैं भाई। सील ड्रीम ऑफ द विंग टायरेंट, टाइटल तो ज़बरदस्त है भाई इस ड्रैगन का। सो मैं, मेरा मन तो कर रहा था इन कुत्तों को मारूं, लेकिन पहले डंगन में घुसते हैं यार, मेरे को देखना। और भाई क्वाइवन, वाव यार क्या ड्रैगन है भाई, क्या दिख रहा है, इतना क्यूट ड्रैगन कैसे हो सकते हैं यार? पहले तो चिलेट, ऊपर से क्वाइवन भाई बहुत क्यूट, और उसके विंग्स देख रहे हो एकदम, ये मुझे रियल ड्रैगन की तरह लग रहा है। विंग्स ऑफ द वाइट भी नाम है इसका टाइटल, और अपना रिलैक्सोरस लक्स तो उससे बड़ा है, और पीट भी रहा है उसको भाई, पीटेगा ही भाई क्योंकि वो 30 लेवल का है, ये 23 का ही। कोई बात नहीं, हाइपर स्पीयर बॉल फेंकते हैं। अरे 13 से 9% कम कैसे हो गया? आई थिंक स्टन था तब ज़्यादा दिखा रहा था। ओ भाई ये तो फेंक दे रहा है भाई, और मेरा रिलैक्सोरस क्या कर रहा है भाई? मुंह ताक रहा है कोने में जाके, लगता है मेरे को ही अटैक करना होगा इसको। दो अटैक मारा और कोने में चला गया भाई, कैसा बाल है मेरा अब तो। मार भाई, या इसका चेहरा देख के नहीं मारने को हो रहा है भाई। और 30%, नाइस यार। 51 भाई, सेकेंड ट्राई है ये। ओ भाई 76 ब्रो, भाई कितनी जल्दी पकड़ लिया इसको, क्या लक है यार। यस मज़ा आ गया, क्या स्टार्टिंग हुई है हमारी। एंड इसके पालडेक्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसके बगल में सोओगे ना उससे कडल करके, तो यार हेवनली एक्सपीरियंस भाई। 95 का है भाई, और देख रहे हो हैंडीवर्क 1, ट्रांसपोर्टिंग 3, गैदरिंग 2, माइनिंग 2, भाई मस्त पाल है, और इसमें राइड भी कर सकते हैं यार। इस पाल को मेरे को ऑल पहले पकड़ना था भाई, 23 लेवल का ही है भाई, पहले ही आ जाता तो अच्छा था। खैर कोई ना, देर से आए पर दुरुस्त आए, और अब बाहर निकलता हूँ। अभी कुत्ते मिले ना तो उनको नहीं छोड़ूंगा। किधर गए साले? भाग गए अभी, कहाँ गए? देख रहे हो भाग गए अभी, तभी बहुत उछल रहे थे।
और यार ये स्टैचू भाई बहुत मस्त स्टैचू। एंड मैं सोचा था ना कि फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो ये स्टैचू देख के कि मुझे लगा कि जेट ड्रैगन के अड्डे पे नहीं ना पहुँच गया भाई। ऐसी पिटाई होती ना मेरी कि भाई ड्रैगन टाइप पाली पकड़ना भूल जाता। और ये कुत्ते मिल गए, अभी इनको बताता हूँ। चल तो बुशी मार तो, ये ले। जैसा रात में डॉगीज दौड़ाते हैं भाई वैसा ही यहाँ के डॉगीज भी है भाई, बिन मतलब का तुम्हें दौड़ाने लगेंगे। ओके चलो एक तो गया। अपना बुशी मस्त है भाई, सोर्ड मास्टर है भाई, काट के रख देगा, दो टुकड़े कर देगा, देखना इसको भी कैसा मारेगा। एकदम टेलीपोर्ट होके मारता है यार, उस मूव का मैं फैन हूँ देखना। ओके वो देखो भाई, अरे उसको तो गिरा दिया भाई। और एक कुत्ता था ना भाई, कि मर गए सब। चलो अच्छा है, सब मर गए तो सो चलो पहला बॉस तो इजी रहा हमारे लिए। और दूसरा बॉस थोड़ा हार्ड वाला खोजता हूँ मैं, किसको मारा जाए। केट्रिस नहीं पकड़ लिया है, और ये कौन है भाई, क्रिंटेल, ये भी निकला तो मेनेस्टिंग। भाई भाई नहीं, इधर नहीं जाना है भाई। एंड मैं बहुत सारे एरियाज को एक्सप्लोर किया हूँ। ओ वर्डैश कि क्या नाम है भाई, रुको जूम कर रहा हूँ, अरे देखने नहीं दे रहा है भाई। अरे यार क्या नौटंकी है भाई, मैं पूरा मैप तो घूमा हूँ और क्या बोलो, जगह जगह पे जाके फास्ट ट्रैवल वाला अनलॉक कर लिया हूँ कि कभी इन बॉसेस को पकड़ना हो तो एकदम तुरंत वहीं पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर मैं फुल भाई ये वर्ल्ड एक्सप्लोर करने पे उतरूँ तो भाई मेरे को लगता है 1-2 घंटे का एपिसोड बन जाएगा। इसके बाद मेरा टारगेट तो वो ग्रीन वाला पाल था, लेकिन मुझे याद आया ना कि फेंगेलॉप भी बहुत अच्छा राइडिंग पाल है और ये बगल में ही है। सोचा कि क्यों ना यहीं आके पहले देख लेते हैं इसको। ओके और या और कोई पाल भी है मैप में? नहीं भाई, जॉर्मनटाइड बैंड बजा देगा भाई, और नाइटविंग ये सब कोई क्या टट्टी बॉस बना के रखा है भाई, वैसे बॉस पाल की क्या ज़रूरत है। तो एल्फ्रिडान के साथ मैं निकल पड़ता फेंगलोप की तलाश में, बट मुझे इधर धुआं दिख रहा है, बोले तो चोर लोग हैं और किसी पाल को बंदी बनाए रखे हैं। एंड ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, सो उनकी तो पिटाई मैं करूंगा। और ये बार बार मेरे से गलती से मैप क्यों खुल जा रहा है भाई। हाँ चलो अब ठीक है। एंड अभी बताते हैं इन चोरों को भाई, पूरा ड्रैगन है, अनुबिस है भाई, इनकी तो बैंड बजेगी। ओ इन्होंने भाई आरसॉक्स को कैद रखा है। ऐसे आरसॉक्स मेरे पास है, इसको बचाएं क्या गाइस, इसकी छोड़ दे भाई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे उस बॉस पाल को देखने की तला है। पेनगलॉप यहीं पे है भाई, हेलो, बट यहाँ तो नहीं दिख रहा, इनफैक्ट उधर भी एक चोर का अड्डा दिख रहा है ब्रो, ये क्या बात हुई यार। पेनगलॉप, अरे नीचे से कौन मार रहा है भाई, ये साले चोर। और ये क्या गन है भाई, भाई ये तो भाई मशीन गन लेके घूम रहा है, मोटा साला, देख रहे हो उसको, बैरल वाला मशीन गन है भाई, उसमें 100 100 से ज़्यादा बुलेट्स लगेंगे, देख रहे हो भाई, धधा धधा मार रहा है। रुको इसको बताते हैं भाई, नीचे आने दो। फेनगलॉप खोजने आया, वो तो मिल नहीं रहा है। ओके एल्फ्रिड्रैन मार भाई, चल मार तो रहा है, और भाई इसको तो डैमेज भी बहुत कम पड़ रहा है, बट कोई ना, मोटा उधर बिजी है और हमारा गन लोड हो चुका है, अब इसकी पिछवाड़े में मारते हैं। हाँ, इसी को मारा था। ओ भाई फट गई इसकी, देख रहे हो 1 HP पे बचा। ओ चलो एल्फ्रिड्रैन ने मार दिया, और भाई इनके पास ग्रेनेड ये सब भी है कोई ना। अरे भाई क्या शॉट गन है यार, एकदम वन शॉट करता है यार, नाम शायद मस्किट है इस गन का। देखो भाई उनको पता ही नहीं चल रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, एकदम एक गोली लग रही है और डेड हो जा रहा है। एंड मैं ट्राई कर रहा था इसे ग्लाइड करते हुए मारने का, इसमें ना बहुत क्या बोले अच्छा एमिंग स्किल चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। खैर कोई ना, इनकी तो बैंड बजा ही देंगे अपन, तब तक मैं इस कोट को आज़ाद कर देता हूँ। चल भाई तू तो सैड नहीं दिख रहा है भाई, कैसा कोट है भाई, पिंजरे में अच्छा लग रहा है क्या तेरे को। चलो ये आज़ाद हो गया, अब बस एक ही बचा है, और वो भी मर गया शायद, यहाँ से गिर के मर गया होगा। चलो सही है, बट यार वेयर इज फेंगेलॉप, क्योंकि मैप में तो वही दिख रहा है। फिर से देखूंगा, पहले ऊपर चलते हैं भाई, अभी भी 2-3 ठग्स बचे हैं, वाह कॉमेडी है ये तो। इधर है रिलैक्सोरस लक्स। एंड यार किसी को पता है फेंगेलॉप का लोकेशन, क्योंकि मैं मैप में दिख दिख के थक गया, लेकिन मुझे दिख रहा है यहीं पे फेंगेलॉप, बट जब भी मैप में चेक करता हूँ देखो है ही नहीं भाई, यहाँ तो रिलैक्सोरस है और ये चोर दिख रहे हैं भाई। लुक्स लाइक ये बॉस पाल हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला, सो अब मेरे को दूसरे डंगन पाल को खोजना होगा। ओके चलो देखते हैं मैप में।
एंड मैं लिटरली पूरा लोकेशन छान मारा यार, यहाँ तक कि देखा वाटरफॉल ये सब मैं भी आके देखा नीचे में, फिर भी नहीं दिख रहा था मेरे को। फिर आया लास्टली, हार ही मान गया भाई, छोड़ो बाद में आएंगे। आई थिंक मेरे को लग रहा है ना उन चोरों ने उस अड्डे पे बेस बना दिया, वहीं पे फेंगेलोप स्पॉन होता है, और सिंस वो लोग बेस बना चुके हैं इसलिए वो अभी स्पॉन नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है, बट कुछ भी हो सकता है। एंड सो अब चलते हैं उस ग्रीन वाले बॉस पाल के पास जिसका मैं पहले बात किया था। ओके, इसका क्या टाइटल है भाई? पिछले वाले का तो मस्त विंग्स ऑफ वाइट करके था, इसका देखना है। और अपन आ गए हैं सील्ड रिम ऑफ द स्विफ्ट में। और इस जंगल में कौन सा पाल कैद है? वर डैश किल ऑफ द फॉर। ओ अबे, ये हरा सिंडर्स यहाँ क्या कर रहा है भाई? भाई लिटरली वही दिख रहा है भाई, क्या है भाई पाल वर्ल्ड, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? डिट्टो सिंडर्स है भाई। अच्छा ऐसे ग्रास टाइप है ना, बूशी धोने वाला है इसका भाई। बट यार क्या लेवल है भाई, 35 लेवल का है, मस्त लेवल है। और अपना बूशी 25 ही का है भाई, पिटा भी सकता है बूशी, देख सकते हो ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा है बूशी बिकॉज ऑफ द लेवल। और मैं कैसा गधे की तरह, ओ भाई बूशी मर गया इतना जल्दी। हेलो भाई, ग्रास टाइप अटैक से पिट गया यार, क्या लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है भाई 35 लेवल में ही। बट कोई ना, इसको मारेगा अपना रिलैक्स और भाई, ये भी 31 लेवल का है। ओके भाई, ये क्या किक वाला मूव था भाई। हाँ डैमेज तो दे रहा है रिलैक्स और ये इलेक्ट्रिक वाला, अरे बहुत डैमेज दिया भाई। हाँ है। वो डैमेज बोल रहा हूँ, लेवल डिप ही था जिसकी वजह से बूशी पिटा गया भाई। और एक चीज़ है भाई, ये वर्डस का भाई अटैकिंग क्या बोले, टारगेटिंग बहुत बढ़िया है, देख रहे हो मिस नहीं कर रहा है भाई, दौड़ के आ रहा है लेकिन मेरे को मार रहा है। ओके बच गए। बट सीरियसली यार सिंड्रेस भाई कॉमेडी है, ये पाल बड़ा ही कॉमेडी दिख रहा है मेरे को। ओके अल्फिड्रैन तो कुछ कर, 32 लेवल का हो गया है अल्फिड्रैन, इसको शुरू से रखा हूँ ना इसलिए। अपने एल्फिड्रैन के पास मस्त एक बर्न वाला अटैक है इसलिए यार देख रहे हो उसको बर्न डैमेज भी पड़ रहा है। नाइस भाई, लेकिन भाई देख रहे हो पिलर्स में छिप रहा हूँ फिर भी मार दे रहा है, रुक बताता हूँ इसको, ये ले चले। ओ ओ देख लिया भाई, चलो चलो निकलो भाई, भागो भागो। ओ यार इसमें भी चढ़ सकते हैं पिलर्स में, चलो चढ़ते हैं। तो अब अपन फाइट देखेंगे, बहुत देर से मैं फाइट कर रहा हूँ ना, अरे ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ भाई, भाई इधर भी मेरे को मार रहा है। एंड मैं देख रहा था यहाँ से गन यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर पा रहा हूँ वरना मज़ा ही आ जाता। खैर कोई ना, ग्लाइडर है। ओ भाई क्या शॉट मारा था, लेकिन लगा कि नहीं नहीं पता चला। एक ग्लाइड करते हुए शॉट गन एकदम भाई प्रो वाली फील आती है। खैर कोई ना, वी आर गिविंग हिम नाइस डैमेज बट ऑल्सो टेकिंग नाइस डैमेज। ओ क्या टट्टी। एंड जैसा पोकेमोन में भाई सिंड्रेस पैर वाले से बहुत मारता है अटैक्स, वैसा ही इसमें भी इसको दिया है मस्त दिया। एंड अब भेजते हैं अनुबिस को, ये तो इसको धोने वाला है, ऐसे टाइप डिसएडवांटेज है बट चलेगा क्योंकि ग्राउंड टाइप है ना अनुबिस। वर्ड डैश उल्टा भाई उसको डैमेज देगा बहुत। खैर कोई ना, 30 लेवल का ही है और नाइस। हाई लेवल बॉस पाल्स तो भाई चैलेंजिंग है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। लेकिन बूशी को पीट दिया था मेरे को, बहुत ख़राब लगा। हेडशॉट में 72 का डैमेज मस्त है, 2% ही दिखा रहा है, पकड़ सकते हैं, नहीं लगता है मेरे को 2%। ओके लेट्स सी, हाँ 11% हुआ। ओके ओ भाई 41, अरे निकल गया। चलो चलो भागो भागो। ओके अनुबिस ज़्यादा मत मार। अच्छा 700 है अभी, काफ़ी है उसका हेल्थ। तो वापस आ, अब रिलैक्सोरस को भेजते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देगा तब पकड़ेंगे तो अच्छे चांसेस रहेंगे। लाइक दिस, लेकिन मिस कर दिया यार, जब शॉक था तब पकड़ना था। 12% 43, अरे 43 पे आके निकल जा रहा है। कमॉन कमॉन मेरे ड्रैगन। अरे ये किसको मार रहा था भाई, साला दीवार के पार से मार रहा था वो, इस बार फिर से निकल गया। भागो भागो भाई, डैमेज दे रहा है बहुत हमें। अब 400 में आ गया यार, मार ना दू गलती से भाई, मूव कर रहा हूँ उसमें उसके पत्थर का डैमेज पड़ रहा है, देख रहे हो क्या एमिंग है उसका। ओके और एक शॉट गन वाला शॉट मारते हैं इसको, और एक मार लेते हैं 100 पे लेके आते। अरे ये तो क्यूट दिख रहा है भाई, क्लोजअप मैंने क्लोज से देखा ही नहीं था इसको, बहुत क्यूट है। 5% 5 से 19 हुआ है, लग रहा है पकड़ लूँगा इस बार। 52, ओ यस। एंड ये वर्ड आज हमें रनर एबिलिटी में मिला है, ये कोई क्या राइडिंग वाला पाल है क्या? राइडिंग पाल होगा तब तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं पता। और ये क्या क्या मिला भाई, प्रीशियस इटर्नल्स,
सोने चांदी मिल रहा है, सोने चांदी नहीं भाई, रूबी दिए सब मिले हमें तो। और मेरे को देखना है इसका पाल डेक नंबर भाई, सिंड्रेस को कितना पाल डेक नंबर दिया हमें। बट पहले इधर से दिखेगा ना। ओके नीचे का तो नहीं यार, देख लो और सेक्स 106 का है। ओके वर्डर 77 का है, और प्लांटिंग 2, हैंडीवर्क 3, लंबरिंग 2, ट्रांसपोर्टिंग 2, गैदरिंग 3। इतना अच्छा यूज केस, नाइस यार। आज भी लग रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग पास पकड़े हैं, एंड मेरे को ना इन पास को एकदम क्लोज से देखना है। सो गाइस चलो चलते हैं अपने बेस पे, वहां से देखेंगे इन पास को क्लोज में। बोले तो सामने से और मसांडा हेलो, नो हेलो, बाय बाय। एंड हाँ यार मैं तो मोसांडा को भूल ही गया था, उसका ग्रेनेड वाला, उसको लेके आए क्या कभी? लाएंगे यार, मस्त लगता है मुझे वो, पूरा धा 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 एकदम ग्रेनेड पे ग्रेनेड छोड़ते जाता है। ओके क्वाइवन और बर्डैश ये रहे, दोनों का बॉस साइन रहता है तो इजी होता है इनको रिकॉग्नाइज करना। और ये रहा क्वाइवन भी, ओके बट नहीं नहीं मैं कुछ दूसरा चीज़ सोच रहा था। ओके थोड़े अच्छे जगह पे आ जाते हैं, खाली वाले जगह पे, वहाँ से अच्छे दिखेंगे पास थोड़े। ये वाला जगह सही है, इस ब्रिज के पार। सो वडश बाहर आओ। ओके अरे किसको मार रहा है भाई? इधर आ इधर आ, पेट करता हूँ तेरे को भाई। कितना क्यूट दिख रहा है ना, और बहुत बड़ा है। एंड इसका पार्टनर इसके लिए है कि ये अगर मेरे टीम में रहेगा तो ये मेरा टीम का स्पीड बढ़ाए। ओ माय गॉड यार सीरियसली भाई, ये क्या लग रहा है भाई? सीक्रेट ड्रैगन बोलते हैं ना, जैसे स्वर्ग ये सब का रखवाली करने वाला वैसा दिख रहा है, और इतना बड़ा है भाई, मजा आएगा इस पे राइड करने में, मेरे को बहुत मजा आएगा। बट देखते हैं इसका सैडल कितने पे बना सकते हैं। ओके वर्डर्स का तो नहीं था कोई सैडल। नीचे नीचे ब्रॉन्चेरी मैमरेस्ट, अरे 34 भाई, कैन बी रिडन तो दिखा रहा था, लेकिन सैडल लगता और नीचे पे बना पाएंगे यार, तब तो बहुत बुरा है भाई। मैं सोच रहा था अभी कर पाते तो अच्छा था, बट कोई ना कहे, जैसे ही अपन सैडल बना पाएंगे मैं बनाऊंगा और इस सेक्रेट ड्रैगन पे सवारी करूंगा। एंड सो आज के एपिसोड में इतना ही, बट रुको रुको जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, सो डैट तुम्हारे फ्रेंड्स भी एंजॉय करें भाई। पाल वर्ल्ड इतना मस्त गेम, क्या बोले, ट्रेंडिंग पे चल रहा है भाई पूरी दुनिया में। और साथ ही साथ चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो ऐसे ही मज़ेदार पाल वर्ल्ड के एपिसोड्स के लिए। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में, टिल देन द गुड्स द बाइस।